साबित वज़ीर दाखला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्तें मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत से मुस्तरद की जा चुकी हैं। सिर्फ मेरी हमदर्दियाँ बदलना चाहते हैं। शेख, कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी में मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए। जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। ये केस की कोई तफ्तीश नहीं है। ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं और इन्होंने मौत मेरी महबूब है, हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है। शेख रशीद की दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की बल्कि तीसरे फरीक के शिकायत पर मुकदमा बनाया गया। दरख्वास्त में शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि मैं जेल में हूँ, अब मजीद किसी तफ्तीश के लिए पुलिस को मेरी जरूरत नहीं, मचलके जमा कराने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 फरवरी को होगी।